नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। आज मेरे पास है सैमसंग का J500F मोबाइल। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब हमको यहाँ पे FRP रिमूव करना है। अब बात यह है कि J500F का यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, पर वो सब साइड SYN से रिमूव करके दिखाए हुए हैं, और कोई कीपैड मेथड है, कोई टॉक बैक मेथड है, कोई एसिड्स का ऑप्शन ले जाके इंटरनेट पर जाके जो रिमूव करते हैं वो ऑप्शन है, पर जो ये तरीका है वो शायद मेरे ख्याल मतलब यूट्यूब में इस तरीके से वीडियो भी हो सकते हैं, लेकिन शायद मतलब कुछ नया आपको हो सकता है, आपको नया जानने को मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने इस पर टॉक बैक का मेथड भी यूज़ किया, सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो साइड SYNC का मेथड था वो भी ट्राई किया, वो नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैंने इसको कैसे रिमूव किया FRP का, तो आप इस वीडियो में देखिए ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। जैसे कि मैंने देखे यहाँ पे कंप्यूटर में एक टूल डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, FRP हाईजैकर टूल करके। उस टूल को मैंने ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे FRP हाईजैकर टूल पे देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के सैमसंग के मोबाइल के मॉडल बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर आप अपना जो मोबाइल है उसका मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है ना, आपको मोबाइल को USB केबल से मोबाइल को कंप्यूटर पे USB केबल के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड मोड का ऑप्शन है, अगर आपका ड्राइवर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है तो डाउनलोड मोड का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल डाउनलोड मोड में चला गया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मोबाइल डाउनलोड मोड में चला गया। अब डाउनलोड मोड पे चल जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरा मोबाइल डाउनलोड मोड पे चला गया। उसके बाद रिमूव FRP ऑफ सॉफ्ट ब्रिक फिक्सर का ऑप्शन दो है, यहाँ पे मैं रिसेट FRP का ऑप्शन पे टिक लगा के हाईजैक इट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप, इसका FRP रिमूव होके मोबाइल डाउनलोड मोड से नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे एक बार FRP रिमूव होने के बाद आपका मोबाइल बूट अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं मोबाइल ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल को वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर रख रहा हूँ, तो वीडियो जल्दी जल्दी चल रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे कि सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मोबाइल ऑन होने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल पे ये ऑप्टिमाइज बोल रहा है, यहाँ पे जैसे कि टोटल 216 बोल रहा है, 216% पहुँचने के बाद आपका मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए धीरे धीरे ये मोबाइल ऑन हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक मोबाइल कम्प्लीट ऑन नहीं हो जाता हम वेट करते हैं। देखिए लगभग हो गया है अपना मोबाइल, ये देखिए यहाँ पे टोटली कंप्लीट होने के बाद अब मोबाइल ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।